And welcome students, welcome to my channel The Knowledge Home. Exercise 1.6, question number 5 in question number 6. दोनों question same है, ठीक है? Question 5 हम solve करेंगे तो question 6 भी same है. Same is question 5. तो इसमें हम एक ही question solve करेंगे, दूसरा आप लोग solve कर सकते हैं. ये अब भी आप लोग solve कर सकते हैं. A भी मालूम करने, A का B के साथ multiplication. और आप लोग सीख चुके हैं बी का ए के साथ मल्टीप्लिकेशन, ए इनवर्स बी इनवर्स, ये सारी चीजें जो है ना ये आप लोग पढ़ चुके हैं लेक्चर, अगर आप लोग लेक्चर देख चुके हैं, ठीक है? तो ये हम मल्टीप्लिकेशन पर भी हम लेक्चर दे चुके हैं. मैथमेटिक्स है वो एक्सरसाइज 1.5 तक हम हर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं अभी, ठीक है? तो अभी हम ये कंडीशन सॉल्व करेंगे, इसमें सारे कंडीशन जो है खुद सॉल्व होंगे, ठीक है? इस वाले कंडीशन में क्या है, पहले हम ए बी मालूम करेंगे, फिर इसका इनवर्स मालूम करेंगे. ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है? सॉल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए बी का मल्टीप्लिकेशन है, ए बी होल इनवर्स है, ठीक है? फर्स्ट हम मालूम करेंगे फर्स्ट पॉइंट ए बी, ए का बी के साथ मल्टीप्लिकेशन 20 - 31. ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई बी मैट्रिक्स क्या है, 1 - 1 - 1, 3, ठीक है? ए बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दोनों का कॉलम और रो चेक करेंगे कि कितनी कॉलम है, टू कॉलम है, टू रो है, पॉसिबल है. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × 1 = 2 + 0 = 1 और 0 आ जाता है, 2 × 1 - 2 क्योंकि 1 - 3 = 0, ठीक है? मैट्रिक्स को क्लोज करते हैं, -3 × -3 + 1 × -1 - 1 आ जाता है माइनस, और माइनस प्लस 3 आ जाता है 3 × 1 = 3 प्लस 1 × 3 = 3 आ जाता है, ठीक है? सो ए बी इज इक्वल टू 2 - 2 - 4 - 6, ठीक है? अब इसका इनवर्स मालूम करेंगे, ए बी इनवर्स. बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है? ए बी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइड बाय ए बी डिटरमिनेंट. ए बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पहले मालूम करेंगे. ए बी डिटरमिनेंट किस तरह मालूम करेंगे, ए बी मैट्रिक्स हम मालूम कर चुके हैं, ये है 2 - 2 - 2 - 4 - 6, ठीक है? ए बी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 6 - 2 = 12 माइनस एंड माइनस और माइनस प्लस आ जाता है 4 - 6 = 24 - 4 = 8. सो ए बी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 12 माइनस और प्लस माइनस 8 एंड ए बी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 12 से जब हम 8 निकालते हैं तो 4 रह जाता है, ठीक है? सो ए बी डिटरमिनेंट हमने मालूम किया 4 आ गया. सो ए बी इनवर्स एग्जिस्ट, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इनवर्स एग्जिस्ट क्योंकि ये नॉन जीरो है, 4 नॉन जीरो है. अब हम एडजॉइन मालूम करेंगे, एडजॉइन ऑफ ए बी 6 और 2 की जगह चेंज होगी, ठीक है? -2 है +2 हो जाएगा, -4 है +4 हो जाएगा, ठीक है? ये एडजॉइन हो गया. अब हम ये लिखेंगे फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट क्या है 6 - 2 - 4 - 2, ठीक है? डिवाइड बाय क्या है, ए बी डिटरमिनेंट है तो ए बी क्या है 4 है, ठीक है? ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 6 × 2 = 4 - 2 / 4 / 4 / 2 / 4 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 4 4 के साथ खत्म, 2 1 are 2, 2 2 are 4. सो ए बी इनवर्स हमने मालूम किया, ए बी इनवर्स किसकी इक्वल हो गया 3 1 / 2 1 and 2 1 are 2, 2 2 are 4, 1 / 2, ठीक है? तो ये हमने ए बी इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड हमने मालूम किया, ठीक है? अब हम जाएंगे राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है? ये मैट्रिक्स, ये जगह नहीं है तो मैट्रिक्स यहां लिखेंगे, ठीक है? राइट हैंड साइड टेकिंग अब इसमें क्या है, इसमें ए बी हमें कहा गया कि ए बी मालूम करें, तो ए बी हमने यहां मालूम किया, ठीक है? ये सार हो गया. बी ए हम इसमें मालूम करेंगे, ठीक है? इसमें
राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में ये वाला कंडीशन हमें सॉल्व कर रहे हैं, तो बी इनवर्स पहले मालूम करना है, फिर ए इनवर्स, फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, पहले ए बी इनवर्स और फिर ए इनवर्स, बी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाय बी डिटरमिनेंट, पहले क्या मालूम करेंगे डिटरमिनेंट, ठीक है। बी मैट्रिक्स क्या है, वन माइनस वन माइनस वन थ्री, ये बी मैट्रिक्स है एंड बी मैट्रिक्स बी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू थ्री वन और थ्री माइनस माइनस और माइनस प्लस वन जब भी वन, ठीक है। सो बी इनवर्स ब्रैकेट को खत्म करते हैं तो टू आ जाता है, ठीक है। सो बी इनवर्स एग्जिस्ट, बी इनवर्स मालूम कर सकते हैं, तो फिर एडजॉइंट भी मालूम करेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी में क्या होगा, ये डायगनल फर्स्ट डायगनल में थ्री और वन की जगह चेंज होगी, थ्री और वन जगह चेंज हो गई, वन प्लस हो जाएगा, ये भी वन प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये एडजॉइंट हो गया। अब फॉर्मूला क्या है, बी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाई बी डिटरमिनेंट, बी डिटरमिनेंट क्या है टू है, सो बी इनवर्स हमने मालूम किया थ्री बाई टू, वन डिवाइड बाई टू, वन डिवाइड बाई टू एंड वन डिवाइड बाई टू, ये हमने बी इनवर्स मालूम किया, ठीक है। अब हम ए इनवर्स मालूम करेंगे, ठीक है, बी इनवर्स, अब ए इनवर्स मालूम करेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट, ठीक है। और पहले हम ए डिटरमिनेंट मालूम करेंगे, तो मैट्रिक्स को हम मिटा चुके हैं भाई, और ए डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ किताब से लिखेंगे, ठीक है, किताब से लिखेंगे ए मैट्रिक्स क्या है, टू जीरो माइनस थ्री वन, सो ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू टू वन और टू माइनस एंड माइनस थ्री जब भी जीरो जीरो आ जाता है, सो ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू टू, ठीक है। अब हम एडजॉइंट मालूम करेंगे, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स मालूम हो सकता है, तो इसलिए हम एडजॉइंट मालूम करेंगे फिर बाद में, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू वन और टू की जगह चेंज होगी और टू सॉरी यहाँ वन आ जाएगा, यहाँ टू, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव टू नॉर नेगेटिव, ठीक है, एंड माइनस थ्री है तो प्लस थ्री वो आ जाएगा, ठीक है, ये तो एडजॉइंट हो गई। अब इनवर्स क्या है, इनवर्स इज इक्वल टू वन जीरो थ्री टू डिवाइड बाय क्या, डिटरमिनेंट क्या है टू है, ठीक है, तो ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू वन बाय टू, जीरो डिवाइड बाय टू जीरो, जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो, एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज इक्वल टू इनफिनिटी, जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो, एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज इक्वल टू इनफिनिटी, इट इज अनडिफाइंड टर्म, थ्री बाय टू एंड टू बाय टू, टू को टू की मल्टीप्लाइड करते हैं डिवाइड करते हैं तो वन आ जाता है, ये हमने ए इनवर्स मालूम किया। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, ए इनवर्स बी इनवर्स और ए इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यस मल्टीप्लीकेशन, तो किस तरह करेंगे, बी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स, पहले बी इनवर्स मैट्रिक्स थ्री टू थ्री बाय टू, वन डिवाइड बाय टू, वन डिवाइड बाय टू, वन डिवाइड बाय टू, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वन डिवाइड बाय टू जीरो, थ्री डिवाइड बाय टू एंड वन, बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, थ्री डिवाइड बाय टू मल्टीप्लाइड बाय, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट ताकि आसान हो जाए, थ्री वन और थ्री एंड टू वन टू टू और फोर, दरमियान में प्लस वन थ्री वन और थ्री प्लस टू टू और फोर, ठीक है। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम थ्री बाय टू जीरो से मल्टीप्लीकेशन तो जीरो आ जाता है, वन वन टू वन से तो वन डिवाइड बाई टू आ जाता है, ठीक है, एंड वन डिवाइड बाई टू, जब हम वन डिवाइड बाई टू से मल्टीप्लाइड करेंगे तो वन डिवाइड बाई फोर आ जाता है, प्लस वन डिवाइड बाई टू, जब हम थ्री डिवाइड बाई टू से मल्टीप्लाइड करेंगे तो थ्री डिवाइड बाई फोर आ जाता है, वन डिवाइड बाई टू, जब हम जीरो से मल्टीप्लाइड करेंगे तो जीरो, एंड वन डिवाइड बाई टू वन से मल्टीप्लाइड करेंगे तो वन डिवाइड बाई टू, ठीक है, तो अब ऐड करेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स, इसका एलसीएम
एंड 3 + 3 आ जाएगा, 3 + 3, 0 + 1 = 2, तो 1 और 2 आ जाता है। फिर 4 HCl, 3 और 1 + 3, 1 + 3 आ जाता है, एंड 0 + 1 = 2, 1 = 2 आ जाता है। सो 3 + 3 = 6 डिवाइड बाय 4, 1 / 2, 4 / 4, 1 / 2, तो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 3/2 आ गई, 1 / 2, 4 के साथ खत्म, 1 / 2। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ हमने 3/2 ये इस ठीक है, यहाँ 2 है, ठीक है, तो 3/2 यहाँ भी है एंड बी इनवर्स, और 3/2 यहाँ है, तो 3/2 यहाँ, 1/2, 1/2, 1, तो 1, 1/2, तो 1/1, ठीक है।